तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अब मैं एक और IIT रैंकर से आपको मिलवाता हूँ जिसने JEE एडवांस 2021 एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इसका नाम है शुभ यादव और ये मेरे भाई का दोस्त ही है और साथ में दोनों ने क्लास 12th पास किया है और तैयारी भी साथ में ही की है। तो इसने भी JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ठीक है। और अगर आपको JEE मेंस और JEE एडवांस के बारे में जानना है तो मैंने वो पहले वीडियो में, जो कि मेरे भाई का इंटरव्यू था, उसके बारे में मैंने बताया है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो शुभ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको मोटिवेट किया कि आपको JEE एडवांस से JEE मेंस जैसा कठिन पेपर को मतलब कि क्रैक करना है, या आपको IIT में एडमिशन चाहिए? क्या आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे इधर जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ थी कि हमें अपने माँ बाप को देख के सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और हमारे बारे में कितना सोचते हैं। और दूसरा कि एक होता है ना कि बचपन का, कि अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो एक IIT में जाना इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्शन चीज़। वो फीलिंग थी IIT में जाने की, तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन वो था। अच्छा, मतलब कि एक था कि नहीं आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो उस वजह से आपने जो है IIT JEE का प्रिपरेशन को आपने चूज़ किया। ओके, अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने प्रिपरेशन करना कब शुरू किया? क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 11th 12th में शुरू कर देते हैं, बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट देते हैं, तब तैयारी शुरू करते हैं, तो आपने तैयारी कब शुरू की? तैयारी तो 11 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट उतना अच्छा ना होने के चलते एक साल ड्रॉप लेना पड़ा। मेरी लास्ट ईयर नहीं हो पाया था एडवांस, यहाँ तक कि मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ड्रॉप लेने का फैसला हुआ। भरोसा हुआ कि हाँ, मतलब अगर मैं एक साल अपने आप को दिया और तो मैं एडवांस जैसे पेपर को भी अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ। मैंने एक साल दिया, मेहनत की, जो गलती हुई उनको देखा और जहाँ जहाँ चूक रह जा रही थी उनको पूरा भरा, ताकि वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हम मैं कर दिया था पेपर के टाइम, जो मैंने 2020 में की थी गलतियाँ, उनको मैं 2021 में अप्लाई ना करूँ। तो मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, मैंने तैयारी की, फिर मेहनत से तैयारी की, तब ये मुमकिन हो पाया ये चीज़। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्रिपरेशन को लेके? स्ट्रेटजी में मैं सब चीज़ें पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन का पार्ट ये है कि आप अपने क्लास के नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे, या फिर जो नंबर ऑफ बुक्स, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हो, वहाँ पे लिखी रहती हैं, वहाँ पे लोग बताते हैं, तो आप वो नंबर ऑफ बुक्स की तरफ जाते थे, आप नोट्स की तरफ जाते थे, कि आप किस तरफ जाते थे? इस व्यू में तो मैं बस यही बोलूँगा कि जो टीचर्स के नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और जितनी बार हम टीचर्स के नोट्स को रिवाइज़ करते हैं उतनी बार हमें उतना टाइम से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैं तो बोलूँगा कि एक बुक लगाओ, लेकिन उसे पूरा लगाओ, एज कि आप 10 किताबों को फॉलो कर रहे हो। अगर आपने एक बुक भी पूरी फॉलो की है तो आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी टॉप 10 IITs में एडमिशन के लिए। मैंने अपने टीचर्स के नोट्स फॉलो किए और कोई एक बुक उठाई जो पूरी लगाई, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और फिर रिजल्ट आया अच्छा। अच्छा, जहाँ आपने जहाँ से भी प्रिपरेशन किया, आप क्या उस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ही लगाते थे, या फिर जो नंबर ऑफ बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अलग अलग ऑथर्स की, जो कि JEE एडवांस एग्जामिनेशन के लिए प्रेफर की जाती हैं, आपने उनके तरफ भी आप गए थे? सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि मैं टीचर्स के नोट्स जितनी प्रैक्टिस कर पाता था उतना प्रैक्टिस किया। उसके बाद DPP शीट्स जो हमें प्रोवाइड होती थी उसको की। उसके बाद मेरा लास्ट जो होता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप ये तीन चीज़ करते हैं तो आपको कोई अदर टीचर की बुक लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। मेन आप ये तीन चीज़ें करिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और मेन मेरे ख्याल से यही तीन चीज़ें हैं। इनके अलावा तो मतलब अगर आप दे रहे हैं अलग बुकों को टाइम, तो इसका मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं या फालतू यूज़ कर रहे हैं उसका। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कब लगाने शुरू किए थे? जैसे बहुत से बच्चे 1 महीना पहले लगाना शुरू करते हैं, या स्टार्टिंग से ही लगाना लगाते हैं, तो कब लगाना चाहिए और कब आपने लगाने शुरू किए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्रिपरेशन से कम 2-2.5 महीने पहले से आपको प्रीवियस ईयर
पूरा लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने खुद 2 ढाई महीने 3 महीने लगभग पहले से ही सिलेबस जितना मेरा हो पाया था। आपका ज़रूरी नहीं है कि एडवांस के लिए 100% सिलेबस कंप्लीट हो। अगर आपका 60-70% भी कंप्लीट है, आपके कंसेप्ट उसमें बिल्ड हैं पूरे स्ट्रांग हैं, तो आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर सकते हैं। आपको फर्स्ट चीज़ पहचाननी होगी कि आपका मजबूत टॉपिक कौन सा है, और अगर आप उसमें उसका आपका कंसेप्ट बढ़िया है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो जो आपका 60-70% भी सिलेबस कंप्लीट है, और तब आप अपना प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको मिक्स कंसेप्ट पे बेस्ड आता है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही चैप्टर से नहीं पूछे जाते एडवांस में, एडवांस जैसे पेपर में। तो आपको मेरे ख्याल से कि 2 ढाई महीने पहले पेपर लगाना हो, तभी आप जाके 30-40 ईयर्स का पेपर लगा पाएंगे। क्योंकि आपको उनके दिमाग को समझना पड़ेगा एडवांस वालों के, कि वो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। आप 10 सालों का 15 सालों का डेटा उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी आपको रिपीट नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने पहले से आपको बकायदा टाइम देना पड़ेगा। 1 महीने पहले से मतलब वो फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि कम से कम आप प्रीवियस ईयर को 2 टाइम्स तो लगाना ही चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने ये बताया कि आपने 11th 12th में कोचिंग कर रखी थी, तो क्या आपका फिर सिलेक्शन नहीं हुआ? तो क्या आखिरकार गलती थी? क्या गलतियां आपकी तरफ से थी, या फिर गलती जो आपको वहां से प्रॉपर मैटर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो आपको समझाना चाहिए था वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो आप वहाँ से आप नहीं समझे, वहाँ वो उन्होंने नहीं समझाया? अपना जो उनको रोल प्ले करना था मेजर आपकी प्रिपरेशन में, वो उन्होंने रोल ही प्ले नहीं किया? अच्छा, ये सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आप एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बात की तरफ नहीं जाना चाहिए कि बच्चे में गलती है। प्लीज, ऐसा नहीं है, बच्चे में गलती है, ठीक है दोस्तों? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं ना, अब जैसे होता है भाई, कोटा 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 है, कोटा में तैयारी हो रही है, ठीक है? तो भाई आपने फिर जो है बाकी इंडिया में सेंटर्स क्यों खोल रखे हैं? अगर आपको कोटा में ही रिजल्ट देना है तो फिर आप बाकी अपने सेंटर्स बंद कर दीजिए ना, तो फिर आपको उसको खोलने की जरूरत क्या है? आप फीस भी उतनी लेते हो, फिर बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो आखिरकार यहाँ पे गलती क्या है? मैंने खुद अपने आंखों के सामने ऐसे बच्चे देखे हैं, ये खुद भी मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, और ये खुद भी उसी चीज का भोगता है कि बच्चे मेहनत करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार रहते हैं, बट फिर भी उनको वो मैटर, वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, समझने के लिए वो चीजें उनको नहीं समझाई जाती हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपका जेई एडवांस जैसे कठिन पेपर को निकालने के लिए, जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जिसके मतलब ऐसा यहाँ इस एग्जाम में नहीं है कि आपके पीसीएम तीनों के नंबर आ गए फिर उसके तीनों के ही आपको कट ऑफ निकलेंगे ना, यहाँ पे आपको फिजिक्स का भी कट ऑफ पार करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी कट ऑफ पार करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का भी कट ऑफ पार करना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा। इन तीनों में से किसी एक का भी अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आप का एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है? एक केस हुआ ही है ऐसा हमारे जान पहचान में कि मैथमेटिक्स में उस बंदे का नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, आई थिंक दूसरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री था, तो वो जो है अपना उसमें क्या कहते हैं, उसका कट ऑफ वो क्लियर नहीं हुआ। पर सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री नहीं हुआ और एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका क्वेश्चन कभी जिंदगी में रिपीट ही नहीं करते हैं। वो हर साल नया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, एक रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आता है। तो दोस्त ये तो इस एग्जाम का लेवल है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मतलब कि आप बिना हल्के कॉन्सेप्ट से आप चले जाओगे और आपका इतना कठिन एग्जामिनेशन निकल जाएगा? तो मैं यहीं पे कहूंगा कि लड़के की गलती नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, पूरी तरीके से उसकी गलती नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी गलती नहीं होती, बट हाँ, कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज अगर फेलियर होता है तो पेरेंट्स को, जो उसके आसपास में उसके भाई बहन है और भी एक्स वाई जेड जो पीपल है, उनको ये बात समझनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए सीधे सीधे कि भाई तेरी गलती थी, तू नहीं कर पाया, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, लड़के पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, बट उन्हें वो मैटर चीज नहीं मिल पाई है, ठीक है? तो मैं शुभ से ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ था कि वो पहला जो उन्होंने 11th 12th के दौरान प्रिपरेशन की थी तो पहले अटेम्प्ट में उनका क्लियर नहीं हो पाया? 11th 12th के टाइम कुछ लोगों का होता है कि वो बोर्ड और जेई प्रिपरेशन को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन मेरे केस में क्या था कि मैं बैलेंस तो कर रहा था लेकिन उतना बढ़िया बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी।
और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था ये कि कोचिंग के टीचर ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया था। हम जब कभी भी मतलब होता है ऐसे, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, टीचर्स अपने टॉपर स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे केस में भी यही हुआ था, या मेरे साथ दो तीन फ्रेंड्स उनके साथ भी हुआ था कि जो क्लास में हाईएस्ट नंबर ला रहा है उनका पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, अच्छे से डाउट लग रहा है, हम पूछने गए तो बाद में बता देंगे, कल बता देंगे। तो ये भी एक कारण थे, और एक कारण ये भी था कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ रहा था स्कूल और जेई प्रिपरेशन के टाइम, और अपने आप से भी कुछ मैंने लापरवाहियाँ की थी, डीपीपी ना सॉल्व करना और सही टाइम पे अपने होमवर्क या डीपीपीज नहीं कंप्लीट करना, ये सब थोड़ा मेरे गलतियाँ थी। और कहीं ना कहीं टीचरों ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया। समझाने वाला एक गाइड, एक टीचर, एक आपका टीचर ही नहीं, वो मेंटर भी आपका होता है। मेरे को वो मेंटर अच्छा नहीं मिला, लेकिन ड्रॉप ईयर में मेरे को टीचर अच्छा मिला, मेरे को वो मेंटर भी अच्छे किए, मेरे को गाइड अच्छा किए तैयारी कैसे करनी है, और लगन भी अच्छी थी, मेहनत की, तो मुझे अच्छा मिला, रिजल्ट मिला मेरी मेहनत का। अच्छा, वही चीज़ कि आप अगर 11 ट्वेल्थ में जा रहे हो उसमें, तो कभी भी मैं फिर ये बात कहूँगा कि आप कभी भी ये चीज़ देख के ना जाएं कि भाई नहीं मेरा दोस्त जा रहा है, या पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई ये वीडियो आप पेरेंट्स को भी ज़रूर दिखाइएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई आपका साथ वाला है, आस पड़ोस का लड़का ज्वाइन कर रहा है, आपने कहा जाओ है, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भीड़ को देख के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना लें आप। जैसे मैंने जो गलती की थी, मैंने ये गलती की थी, देखा एक इंस्टीट्यूशन में कि हाँ बच्चे जा रहे हैं, अपने दोस्त लोग चार पांच गए उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, और मैंने भी उनका पीछे करके ठीक हाँ नाम बड़ा था, बहुत बड़े बड़े नाम है आप जानते होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैंने भी उन्हीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। लेकिन असली रियल ट्रुथ वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो वही चीज़ मैं कहूँगा। और दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सही भी, हम ये नहीं कह रहे कि सब जगह के खराबी होते हैं, ऐसे बात नहीं है कि 11 ट्वेल्थ में लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया या विदाउट कोटा वो ज्वाइन किया, उन्होंने ऑफलाइन उनका एग्जाम नहीं निकला है बहुत लोगों का, ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे बैलेंसिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। आप दो नाव पे पैर रख के चल रहे होते हो, ठीक है, अब वो दो नाव पे आपको बैलेंस कैसे करना है भाई, ये बहुत बड़ी वो चीज़ होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ, आई थिंक 3 बजे छुट्टी होती थी स्कूल की, 3 बजे छुट्टी होती थी, 3:30 से कोचिंग शुरू हो जाती। अब 3:30 आपको 3:30 तुरंत डॉट आपको वहां पे पहुंचना रहेगा, फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, वो 1 मिनट में इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है, चले गए आप। फिर रात में कितने बजे छुट्टी होती थी कोचिंग से? 8 बजे। 8 बजे छुट्टी होती थी। अब आपको स्कूल भी देखना है, आपको कोचिंग में जो पढ़ाया उसको रिवाइज भी करना है, फिर जो मान लो आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, तो आपको जो पिछले सब्जेक्ट से पिछले टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपको उन्हें भी रिवाइज करना है, आपको जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है उसकी डीपीपी भी लगानी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, फिर जो स्कूल में जो एग्जाम आने वाला है, टेस्ट है या मान लो हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बोर्ड है तो प्री बोर्ड आने वाले, आपको वो भी देखना है, और जो ये फालतू के सब्जेक्ट पीएड और इंग्लिश ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, इनकी फाइलें वाइलें भी बनानी रहती है जो कि मैटर नहीं करती हैं बिल्कुल भी, बट स्कूल वाले इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय पीसीएम के ऊपर फोकस करने के। तो दोस्त ये भी करना है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? और बचता है एक संडे, संडे को भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली रहती है, वो भी ज्यादा देर के लिए, यानी कि 3-4 घंटे के लिए, वो भी ज्यादा देर के लिए, तो भाई आपके पास में समय कहाँ बचा, आप कैसे मैनेज करते हो? आराम भी तो करना है यार। अब देखो जो नींद का लोग बोलते हैं, भाई आप जैसे लेट, तो कोई मशीन नहीं है कि जैसे आप गए आपने वो पानी चलाने वाली मशीन को ऑन किया उसने चालू हो गए, बंद किया तुरंत बंद हो गया, ऐसा नहीं है। सोने में आदमी लेटता है तो उसको 10-15 मिनट नींद आने में सोने में लगता है, फिर जब उठता है तो उसके साथ में ऐसा ही होता है। तो मान लो 12 बजे आप तो आपको 12:15-12:30 तक नींद आएगी, फिर सुबह उठोगे तभी ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि 12 बजे सुबह 4 बजे उठ गए, तो भाई ये बहुत ऐसी वाली चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हो तभी आप 11-12 के लिए आप कोचिंग में जाना, इवन मैं कहूँगा कि ड्रॉप आउट भी आप तभी देना, अगर आप नहीं हो तो भाई मैं बोलूँगा प्लीज़ देर आर अदर ऑप्शंस, आप तभी जाइए, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ना, पैशन चाहिए अंदर से, पैशन है अगर आपके पास में तभी आप इतना सारा कुछ पढ़ पाओगे, इतने कम टाइम में आप उसको पढ़ पाओगे, इतनी मेहनत आप कर पाओगे, वरना कोई आपको मोटिवेटिंग वीडियो जो होते हैं ना वो 5-10 रुपए वाली बैटरी की तरह होते हैं, 4 दिन की एनर्जी खत्म, 4 दिन भी नहीं उसके रहते, 2 घंटे में आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं, 2 घंटे करंट लगेगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ऐसे ऐसे गिरता 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 2 घंटे में खत्म। तो इसलिए जो है ऐसा कभी भी मत करना, कुछ बोलना चाह रहा हूँ।
आपको पूरा अंदर से भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि आप ड्रॉप आउट ईयर में आप कर सकते हो। अगर आपको भरोसा या डर लग रहा है कि आप शायद मतलब इससे भी गड़बड़ हो जाएगा आपका मालूम, तो जैसा आपने बोला कि और भी स्ट्रीम्स हैं, और भी परस्यू आप कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज का कहीं ये नहीं कि एक बाउंड है, तो आप किसी भी उसमें जा सकते हो क्षेत्र में, उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी? इस साल आपने कैसे प्रिपेयर किया कि जो आपको सफलता एक साल पहले नहीं मिल पाई थी, वो सफलता आपको ड्रॉप आउट देख के मिल गई? क्या स्ट्रेटेजी थी? फिजिक्स को आप कैसे देखते थे, केमिस्ट्री को आप कैसे देखते थे, मैथमेटिक्स को आप कैसे देखते थे, कौन कौन सी आपने बुक्स को फॉलो किया, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें मेरा व्यू ये है कि सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरी क्या थी कि मैं हर दिन अपना अलग टाइम टेबल बनाता था। जैसे आज के दिन मेरे को अगर मतलब एक टाइम तो फिक्स होता ही था कि 3 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटे इतना पढ़ना है, 4 घंटे मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। तो फिर जैसे मैं क्या करता था कि मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री को मजबूत और मजबूत करने पर ज़्यादा टाइम देता था, और कहीं ना कहीं मेरा मीडियम सब्जेक्ट दोनों थे फिजिक्स और मैथ, तो मैं उनको भी टाइम देता था। ऐसा नहीं था कि मतलब केमिस्ट्री को दे दिए 10 घंटे तो मैथ और फिजिक्स के वाले 1 घंटे दिए, उनको भी टाइम देता था। और मेन चीज़ यह था कि आपको तीनों सब्जेक्ट चला के चलना है। जैसा आपने बोला ना कि हर एडवांस ऐसे पेपर में आपको तो ओवरऑल कट ऑफ पार ही करना होता है, साथ में पर सब्जेक्ट का भी कट ऑफ पार करना होता है। आपको आपका कमजोर सब्जेक्ट भी इतना तो होना चाहिए कि आप कम से कम उसमें 20% मार्क्स स्कोर कर पाए जी एडवांस जैसे पेपर, और वो 20% भी एडवांस जैसे पेपर में बहुत होते हैं। मैंने पेपर दिया है, मेरे को एक्सपीरियंस है कि पेपर किस लेवल का आता है एडवांस का। तो बाकी तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो लोग एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाते हैं, एक महीने का बनाते हैं, वो प्योर इलॉजिकल होता है। वो बनाना मतलब आप 1 2 3 दिन मैक्सिमम फॉलो कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन 1 हफ्ते फॉलो कर पाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ये चीज़ नहीं है। आपको मेरे ख्याल से हर दिन टाइम टेबल बनाना चाहिए, और एक रात पहले ही सोच बनाना चाहिए कि आपको कल सुबह 1 बजे उठना है। ठीक है, 10 15 मिनट हो गए, आगे पीछे समझ में आता है, इंसान ही हो जाता है। आपको बाकायदा एक पेज में लिखना है रात में सोने से पहले कि आपको इतने घंटे ये करना है, कल अगर परसों टेस्ट है तो आपको इसका रिविजन करना है इस टॉपिक का, अगर आपको ये चीज़ कमजोर है या आपके टॉपिक में ये चीज़ मिसिंग था, आपको पेपर में ये चीज़ नहीं हुआ, इसको तैयार करना है। तो हर दिन जब आपका बनेगा एक रात पहले का टाइम टेबल, जैसे आज मान लीजिए मेरे को कल जो भी तैयारी करनी है मैं आज रात में सोने से पहले बना लूंगा, तो आप जब सुबह उठ के देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा एक माइंड मैप फिक्स रहेगा कि आपको पूरे दिन ये करना है, तो आप टाइम वेस्ट आपका कम होगा, आप फालतू चीज़ें कम सोचेंगे, आपको जो गोल होगा उसके बिल्कुल फोकस होकर आप अपना काम करेंगे। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए मेन चीज़। तो और बाकी चीज़ तो क्या नाम है, आपको कॉपी रिवाइज करना है, और कंटिन्यूसली आपको बस एक ही चीज़ में फोकस करना है जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती। और मोबाइल वोबाइल तो मतलब बिल्कुल, जितने भी सोशल मीडिया आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ये तो मतलब सबसे मेन थ्रेट जो है पढ़ाई में यही चीज़ है फोकस हटाने के लिए, और बाकी तो अपने आप पे पूरा वो रखना है, भरोसा रखना है, कंसंट्रेट करना है, और जो भी प्लान बनाना है एक दिन रात रात में बना के और सुबह उसको पूरा फॉलो करना है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने प्लान किया हो। और बाकी तो लोगों के अलग अलग होती, मेरी ये थी जो मैंने अपनी जेई के टाइम पे तैयारी की थी, मेरी तो यही पूरी तैयारी की स्ट्रेटेजी थी। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पे आपको अपना टाइम टेबल जो है मतलब कि बना के चलना है। ये नहीं, बहुत से लोग आते हैं आ जाएंगे यूट्यूब पे, सुबह उठना 9 बजे, 5 बजे उठना है और आपको ये करना है, टेस्ट देना है 1 घंटा, फिर सो जाना है, फिर 2 घंटे बाद उठना है, फिर जो है आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। भाई वो कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, उनसे ये पूछो, एक कमेंट में लिख देगा तो गुरु जी आपने जब तैयारी की थी क्या आपने फॉलो किया था, वैसे गुस्सा होकर बोलेंगे हाँ मैंने किया था तभी मैं ये अचीवमेंट किया है। बट यार एग्जैक्टली तुम नहीं कर सकते। तो पहले तो आप सुबह 4 बजे मानो आप सो कह रहे हो कि 12 बजे सो जाओ। अरे भाई 12 बजे आदमी कैसे सो पाएगा यार, मतलब कि 12:30 बजे उसको नींद आएगी, आधे घंटे मतलब तो लगते ही सोने में, 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, एग्जैक्टली 12 बजे थोड़ी ना मतलब स्विच बंद हो सो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये आपको देखना है, और ये तैयारी ऐसी नहीं है कोई भी एग्जाम हो जाए स्कूल वाले माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा कि भाई कोई उंगली ऐसे पकड़ा हुआ है, उंगली पकड़ के आप चलोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा ना। आपको मैच्योर होना पड़ेगा तभी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे। आप मोबाइल चलाने के लिए मैच्योर हो, आप गाड़ी चलाने के लिए मैच्योर हो गए हो, आप जो है अपना इंस्टाग्राम चलाने के लिए बड़े हो गए हो, तो आपको एग्जाम निकालने के लिए भी बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे आप बच्चे रह के आप नहीं रह सकते। आप उसके लिए भी बड़े अगर नहीं हुए हो तो दोस्त आप इसके लिए भी बड़े, मतलब कि आप
आप नहीं हो, तो अगर आप इस एग्जाम के लिए बड़े नहीं हो तो आप उन सब चीजों के लिए भी बड़े नहीं हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप उनके लिए बड़े हो गए तो आपको इसके लिए भी बड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो है एग्जाम को निकाल पाओगे, वरना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और यही बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे शुभ ने कहा कि दोस्त अपना स्ट्रैटेजी बना के रखिए, अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर चलिए, दूसरों की सुनिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मत सुनो, सुनो दिमाग में रखो, बट जो फैसला लो वो आप अपना लो, ठीक है, मे द डिसीजन शुड बी ऑफ योर्स, ओके। चलो आप पूछते हैं कि शुभ से, कि शुभ कभी कभी तैयारी में ऐसा होता होगा, ऐसा कि आपके साथ तो ऐसा हो ही चुका है, एक साल आपने तैयारी किया, इतनी मेहनत किया, कोचिंग जाते थे, सब करते थे, मैं जानता हूँ इसने अपनी हर पुरजोर कोशिश की थी पहले साल में, मैं तो होता भाई मैं से तो नहीं हो पाता, लेकिन इसने पुरजोर कोशिश की थी कि ये पहले साल में निकाल ले, बट इसका नहीं हुआ, तो उसके बाद में कैसे मोटिवेशन आया, और फिर जब आप अभी ड्रॉप आउट में तैयारी कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि एक बार आया होगा मतलब भाई, अब की बार नहीं हुआ तो क्या, तो वो डर से आप कैसे बचते थे, वो मोटिवेशन के लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेशन देती थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। रिजल्ट आने के बाद लास्ट ईयर बहुत होप तो पूरा ख़त्म हो गया था कि अब कुछ हो सकता है, कुछ कर पाऊँगा, डर भी लगा था कि फ्यूचर में क्या होगा, कि एक ही चीज़ थी कि हाँ जी की तैयारी थी, करना था उसे, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो भाई हर कोई टूट जाता है, ऐसे पेपर की खूब मेहनत से तैयारी करे और रिजल्ट ना आए तो हर किसी का पूरा मोटिवेशन वहाँ धज्जियाँ उड़ जाती, कोई मोटिवेशन का वीडियो वहाँ काम नहीं आता, तो 3 दिन रोना धोना सब कुछ, मैं लिटरली मेरे साथ तो हुआ था, दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन बहुत होप लॉस भी होता था, लेकिन फिर होता है कि धीरे धीरे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि और कोई आपको उठाने नहीं आएगा, आपको खुद से ही सोचना है, आपको अपने लिए ही करना है, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, हर कोई आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना आपको उन पर खुद ही होगा। तो फिर धीरे धीरे वापस तैयारी शुरू की, थोड़ा जाहिर सी बात है डर लगा रहता था, कि जैसा आपने बोला कि हाँ रहता था डर कि आगे नहीं हुआ तो क्या, तो मेरे भी मन में ख्याल आते थे ऐसे कि आगे नहीं हुआ तो क्या करूँगा फिर, लेकिन उनको हटाने के लिए मतलब इतना तो था कि अगर मैंने एक अच्छे से पूरा फोकस होकर तैयारी की तो हो सकता है, केस बन सकता है कि हो जाए, और बाकी तो फिर अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था ही, और भगवान ने मुझे भगवान के ऊपर ज़्यादा भरोसा था, अपनी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन गॉड के ऊपर ट्रस्ट भी था कि मतलब जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं बर्बाद तो नहीं जाने देंगे, तो यही सब था। और अपने माँ बाप का मोटिवेशन था, आशीर्वाद था, बड़ों का प्यार था, और बस और यही सब चीज़ों से तो मतलब एक कोई भी कंपटीशन का लेवल पेपर क्रैक होता है। बस मेन जो यहाँ से इस डिस्कशन से निकल के आया वो यही आया कि भाई पैशन, अगर आपका पैशन है इस एग्जाम को लेके या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके, दोस्त आप निकाल लोगे, आप निकाल लोगे, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अंदर से आता रहेगा, वो आग जलती रहेगी, आग बुझेगी नहीं, कभी नहीं बुझ पाएगी, ठीक है, वो लगी रहती है, ठीक है भाई। और अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है भाई, 3 बार का फेलियर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, IIT जेई का नहीं दोस्त, किसी और एग्ज़ाम का, तो इसलिए जो है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त की जो है आपका मतलब कि वो आग जो होती है ना कि नहीं भाई हड़ाओ, वो नहीं जाएगी अगर आप सच्चे में आप पैशनेट हो इस चीज़ को, लेकिन वो इसी से पता चल जाता है, बीच तैयारी में पता चल जाएगा आपको कि आप पैशनेट हो कि नहीं हो, ठीक है, तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, और इसके लिए ये जानने के लिए आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, ये बच्चों वाली हरकतें जो आजकल इंस्टाग्राम और ये सब टिकटॉक वगैरह हो रही हैं, इनसे दूर निकल के आपको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, तभी आप ये पता लगा सकते हो व्हाट योर पैशन इज, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना इसके लिए आपको खूब सारा पढ़ना है, ठीक है, मान के ये चलो कि आप जो है 12th अगर आपका एक नदी थी तो ये एक आपका समंदर है, ठीक है, तो ये समंदर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, और आप कोई भी काम ज़्यादा देर मन लगा के तभी कर सकते हो जब आपके अंदर उस काम को लेके पैशन होता है, समझ रहे हो मेरी बात आप, तो इसलिए दोस्त मैं बोलूँगा कि पैशन आप जानना अपना तभी इधर आना, वरना भाई नहीं आना, मैं आपको क्लियरली ये बात बोल दे रहा हूँ, नहीं आना बहुत खतरनाक जगह है भाई, जल जाओगे आग में बता रहा हूँ, ठीक है, वो आग का दरिया बहुत गंदा वाला फिर है, चल के निकल नहीं पाते हैं बहुत से लोग, बीच ही में फंस जाते हैं और फिर आता है डिप्रेशन, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है भाई, बिल्कुल भी सही नहीं रहता वो चीज़, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है, अगला सवाल, कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते थे? 11 12th में तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा खराब ही चल रहा था, नहीं हो पाता था टाइम मैनेज। लेकिन अभी ड्रॉप आउट में कैसे? हाँ, ड्रॉप आउट में टाइम मतलब आपके पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए। आप जैसे अब इस समय तो कोरोना के टाइम में आपके ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आप 4 घंटे 5 घंटे आपका ऑनलाइन कोर्सेज जो भी आपने इनरोल किए, जो भी आपने जहाँ भी एडमिशन लिए वो चलते थे। बाकी उसके बाद आपका पूरा टाइम रहता था आपके पास। आप मैंने जैसे बोला था कि आप एक रात पहले ही पूरा टाइम टेबल आप बनाते हो अपने लिए कि आपको करना क्या है अगले दिन, तो फिर टाइम टेबल बनाए तो आपका पूरा टाइम उसमें आ जाता है। आपको पूरा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिजिक्स का वो पार्ट कमजोर है, केमिस्ट्री को रिवाइज करना है। जैसे मेरे केस में क्या था कि केमिस्ट्री रिवीजन और फिजिक्स के 1 डे रिवीजन बहुत होते थे। मैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिवाइज करते रहता था ताकि उन पे बेस्ड सवालों को मैं अटैक कर पाऊँ। तो उनका जैसे मेरे लिए केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं उसका एक टाइम फिक्स किया था, वो हमेशा से मेरे लिए फिक्स था सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम जैसा भी आपका जो भी मौसम रहता था, जैसे ठंडी का है तो थोड़ा ज़्यादा देर में करते थे, 6 से 7 हो गया। गर्मी का टाइम है तो और पहले 5 से 6 हो गया। ऐसे सुबह के टाइम में इनऑर्गेनिक रिवाइज करता था, दोपहर के टाइम में ऑर्गेनिक लगा लेता था, शाम के टाइम फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसा आपको अपने आप से पता होगा कि आप किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, और टाइम मैनेज हो जाता है। अगर आप लिटरली उस गोल को अचीव करना चाहते हो तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं होता। आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज़ में। अगर आपको गोल अचीव करना है, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और कभी कभी जब आपके पास नेगेटिविटी थॉट भी आएंगे तो कुछ देर के लिए आते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी होते हैं, बिल्कुल वो हट भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट आपका ये होना चाहिए कि आप खुद सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड करें, जिस सब्जेक्ट में जिस टाइम में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना कंफर्टेबल समझते हैं उस टाइम पे पढ़ें बस। और फिर तो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल से बस यही होना चाहिए। मेरे टाइम पे जो मैंने मैनेज किया था वो यही था। इसके अलावा कोई मैंने तो खड़ा नहीं कर दिया था टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। उसमें आपको सोना होता है, खाना होता है, पीना होता है, पढ़ना होता है। तो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर है और अच्छे लेवल का है। कितने घंटे सोते थे? अगर मैं उससे बोलूँ तो 4 घंटे 3 घंटे? नहीं, तो वो डिपेंड करता था कि आपका पेपर आ रहा है कि नॉर्मल तैयारी चल रही है। जैसे नॉर्मल तैयारी में इंसान 5 से मतलब 5 आवर्स मेरा था कि हाँ 5 घंटे तो सोना है। लेकिन जब पेपर आता था तो लोग बोलते हैं कि पेपर के टाइम आपको ज़्यादा सोना चाहिए। नहीं, सोच बिल्कुल सोना चाहिए, लेकिन जो इंसान ट्रूली सच में तैयारी करता है उसको नींद थोड़ी कम आती है उस टाइम। पेपर के तैयारी के टाइम मेरे को 4 साढ़े 4 घंटे नींद आती थी। हाँ, लेकिन हाँ कोशिश करके मैं दिन में भी 1 2 घंटे सो लेता था ताकि दिमाग ठंडा रहे, क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े सम्स लगा रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका दिमाग कूल होना भी बहुत ज़रूरी है। आप गर्म दिमाग से सॉल्व नहीं कर सकते कोई क्वेश्चन। ये वो नहीं है कि हिंदी का सवाल आया कि आप टिक मार के आगे बढ़ गए। हाँ, आपको हर सवाल में पूरा फंडा, पूरा थिंकिंग, हर चीज़ करके आपको करना पड़ता है। इसलिए सोना तो बहुत ज़रूरी है। मेरा ऑन एन एवरेज 5 साढ़े 5 घंटे होता ही था, इतना होता था मेरा। देखो, वही बात आ गई यहाँ पे कि आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आपको आपके पेरेंट्स देखेंगे पढ़ते हुए, अगर आप घर पे रह के तैयारी करो, और बस ये बात बोले जाएगा यार सो जा रहा है, इतने देर हो गया पढ़ते हुए, ये उनको लगता है इतनी मेहनत कर रहा है। बट वहां पे अगर आप नहीं सोते तो आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है। वहां पे अगर आप सो जाते हो, बचपना है आपके अंदर, आप अभी वो स्कूल से बाहर ही नहीं निकल पाए हो, तो आपको ये चीज देखनी है। मैं फिर ये बात कहूंगा, मेच्योरिटी बहुत जरूरी है। और मेच्योरिटी लानी कैसे है, आपको सीरियस होना पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई कैसे ला सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कि बोल दिया मेच्योरिटी ला रहे तो वो कैसे लेके आए, तो आपको लेके आनी है, तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को लेके सीरियस होना पड़ेगा। जहाँ आप सीरियस होने लगे ना, तो आपको फिर ऐसा भी नहीं कि सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाए, बट ये नहीं कि आपको थोड़ा सीरियस होकर पॉजिटिव वे से आपको सोचना है मुझे क्या करना है, तब आपको अपने आप ही फिर दरवाजे खुलते 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 चले जाते हो। फिर आप उस रोड पे आ जाते हो, फाइनली बड़ा सा गेट खुल जाता है, उस रोड पे आ जाते हो। अब आपको उस रोड पे चलना है, और फिर आप फाइनली जो आपको सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड में, आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और हाँ, एक सवाल मेरा ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप मतलब कि कैसे लगाते थे? माने कि आपने जैसा कि कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो कि कैलकुलस है फॉर एग्जांपल, तो कैलकुलस आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा उसका, और आपने प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दिया, ऐसा करते थे? या आप
पढ़ लेते थे पूरा, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करते थे, कैसे करते थे? मेरे ख्याल से कि आपको जो मेरी राय है कि इनिशियल स्टेज में जब आप प्रीवियस ईयर शुरुआत में लगाना शुरू करें तो चैप्टर वाइज लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आपने आप ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार में पूरा टॉपिक पढ़ लोगे, आपको हर चीज़ आप ए टू जेड सिलेबस आपका नोट लीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से आपने टॉपिक पढ़ा और ये चीज़ ये नहीं जो मैंने आपको 2-2.5 महीने पहले बोले कि आपको पूरा रहा, ये आपको जो भी टॉपिक आपको तैयारी के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको 2-2.5 महीने पहले पूरा प्रीवियस ईयर आपको कम्प्लीटली थोरो होना है तो आपको टॉपिक पढ़ना है पूरा, उसके हर चीज़ आपको आनी चाहिए उस टॉपिक का, फिर आपको उसके उस टॉपिक का सवाल लगाना है। हाँ, अगर आपके कुछ कंसेप्ट मिक्स हो के आए तो आप उसको उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जब आप जो दूसरा फंडा उसमें लग रहा है आप वो पढ़ लें तब वो सवाल पे अटैक करें, वरना अगर आपका उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको उस समय अटैक करना चाहिए। फिर आपको जब पूरा लास्ट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से आई एम श्योर 2-2.5 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और तो 2-2.5 महीने जो आपको टाइम मिलता है तब आप उसमें वापस से पेपर वाइज आप लगाएं प्रीवियस ईयर, तो उसमें क्या रहता है आपका 2 फायदे होते हैं, एक तो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर एक बार और प्रैक्टिस कर लिए, दूसरा आपका जो आपने उस टाइम 2-3 महीने पहले प्रीवियस ईयर लगाए थे चैप्टर वाइज वो आपको और अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया और आपने नए नए फंडे भी उसके साथ सीखे। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं क्वेश्चन लगाता था तो मैं क्वेश्चन लगाया कुछ पता चला नया, लेकिन जब मैं वही क्वेश्चन वापस लगाता तो एक कुछ ना कुछ उसी क्वेश्चन एक नया फंडा और समझ आता था, तो समझने के मतलब और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर केस हो जाती है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज लगाना चाहिए प्रीवियस ईयर, जैसे चैप्टर खत्म हो और एट लास्ट 2-2.5 महीने कम से कम 2.5 महीने पहले आपको पेपर वाइज भी लगाना चाहिए प्रीवियस, जैसे 2016 का लगा लिया, 17, 18, 19, बस सबसे पहले शुरुआत से लगाना चाहिए, उसके बाद तो शुरू होता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई, और अब एक और चीज़ मैं पूछूंगा शुभ से कि शुभ, जब आपका रिजल्ट निकला तो आपको कैसा लगा? जाहिर सी बात है खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि हाँ बिल्कुल मैं आ गया था। मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो खुशी बहुत मिली थी, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, तो वही चीज़ है कि दोस्त आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको चीज़ें खुद समझ में आनी चाहिए, आप तभी इस चीज़ को प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है, आप तभी चीज़ें मैनेज कर पाओगे, और आपको पता होना चाहिए। देखो, सारी चीज़ें आपको सब कोई नहीं बता पाएगा, मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, आपको बहुत सी चीज़ें खुद से ही समझनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट को आप यहाँ हटा दो, ये जो छोटे छोटे माइनट माइनट बातें हैं ना, टाइम टेबल मैनेज करना, ऐसे ऐसे चलना, ये चीज़ें करना, सोना कब है, ये सब कब करना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से समझनी होंगी। वो समझने के लिए आपको अपना क्या कहते हैं मेथड जो है, वो जो भी आपको लाना है समझने के लिए, वो आपको जो है मेजोरिटी के लिए लानी पड़ेगी, खुद से ही चीज़ों को एनालाइज करके समझना होगा। दूसरों की बातें सुनो, दिमाग में रखो, फैसला खुद लो कि यार मेरा वाला सही है या उसका वाला सही है, ठीक है, आप मिक्सचर भी ले सकते हो, ठीक है। तो शुभ, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कुछ लोग किसी लोगों को थैंक यू करना चाहते हो? सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरे माँ बाप का है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। हाँ, लास्ट जब पेपर का रिजल्ट रहता है 2020 में, थोड़ा सा जाहिर सी बात है हमारे बाप अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीद लगाता है, लेकिन हाँ उसके बाद उन्होंने पूरे साल मेरे को सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर ने जो कि वर्चुअली ही हमको बहुत सपोर्ट किया, हमको समझाया कि मेहनत कैसे करते हैं, और बहुत उनका रहा खुद से भी कॉन्फिडेंस था। तो इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे अंदर हिम्मत भरी कि मैं वापस तैयारी कर सकूँ, और मैं भगवान का, मम्मी पापा का और अपने टीचर का बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को फुल सपोर्ट किया और मेरे को एडवांस जैसे पेपर में क्वालिफाई करने की ताकत दी। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब नहीं निकला था पहली बार तब क्या था पेरेंट्स की तरफ से? तो हर माँ बाप को अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा ऊंचाई की नहीं देखता है, तो थोड़ा सा उनको भी बुरा लगा था, थोड़ा क्या बहुत लगा था कि बच्चा नहीं हो पाया हमारा, लेकिन हाँ एक दो दिन बुरा होने पर उनको लगा कि हाँ बच्चे को सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को, और उन्होंने सपोर्ट किया, मेहनत भी की, टीचर ने भी पूरा गाइड किया, पूरा मेंटरशिप निभाया सबने, और भगवान ने भी बहुत साथ दिया, तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, तहे दिल से शुक्रिया, और
थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये लड़के जो है ऑनलाइन की तरफ तैयारी इन्होंने कैसे किया, तो मैं यही कहूँगा, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी मेरे यही इसी चैनल पे जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन आपको कौन सी जाना चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो उसको। और आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मैंने पूरा अच्छे से एक घंटा एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो अच्छे से देख लोगे यार, एक एक पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन किया, आपको फिर डिसाइड करने में ये हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि भाई ऑनलाइन चले जाओ या ऑफलाइन चले जाओ, मैंने आपको दोनों के फ़ायदे नुकसान बता दिए हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन को चूज़ करना है, तो आप वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे साथ में शुभ की मम्मी भी हैं, तो आंटी जी आपको सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा शुभ ने जेईई एडवांस जैसा इतना बड़ा और इतना कठिन पेपर क्लियर कर लिया है। अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, हर अच्छा। माँ को ये नसीब हो, अच्छा हम यही दुआ करते हैं। अच्छा, शुभ इतनी मेहनत करता था तो आपको मतलब कि कैसा लगता था देख के कि वो इतनी मेहनत करता है, तो ये आपको मतलब कि कैसा लगता था और आप कैसे सपोर्ट करती थी शुभ को? ये जो भी सपोर्ट करना था हम इनको किए हैं। अच्छा, हाँ, बाकी मेहनत इन्होंने किया है, जी, मेरा जी। सपोर्ट यही था कि समय दें, समय अपना पढ़ाई फोकस करें, जी जी, बस टाइम से इनको खाना देना नाश्ता देना ये मेरी जिम्मेदारी थी। हाँ, कि कितना टाइम सो रहे हैं कितने टाइम जग रहे हैं, जी, जी। ये मुझे ध्यान देना पड़ता था। अच्छा अच्छा, बाकी सब ये अच्छा। अपने मेहनत से किए हैं जी। हाँ, और जब इनका पहली बार नहीं निकला तो आपको कैसा लगा फिर, और तब आपने कैसे इनको बैक किया, आपने अपने मन को कैसे समझाया कि नहीं हमने तो इनके ऊपर, क्योंकि कई माँ बापों का ऐसा रहता है कि यार इतना पैसा खर्चा कर दिया, स्कूल में भी फीस की और इधर भी फीस किया, बट इन्होंने तो रिजल्ट ही नहीं ला के दिया, तो आपने कैसे मतलब कि आपने और इनके फादर ने कैसे मतलब कि इनको बैक किया और अपने आप को भी बैक किया? भैया देखिए, मुझे तो दुख हुआ इस बात का कि नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा बेटा बहुत समझदार है, ये कहा मम्मी जो मुझसे अबकी बार नहीं हुआ मैं अगली बार पूरी कोशिश करके जी जान लगा दूंगा और उस चीज़ को मैं कर दूंगा, इतना भरोसा मुझ पर रखिए। इन्होंने खूब मेहनत किया और उसके बाद दोबारा ये निकाले, पहली बार मुझे कष्ट हुआ, ईश्वर पर भी भरोसा थोड़ा सा लगा कि नहीं भगवान ने मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा किए, लेकिन फिर ये इतना बेचारा भरोसा मुझे दिलाया कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे ऐसे लगा अंदर से कि नहीं बच्चा मेरा, मुझे जो समझाना चाहिए इसको वो मैं, ये मुझे समझाया, ये मुझे अच्छा लगा कि ये भरोसे लायक है मेरे, कि ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, तो फिर ये मेहनत किया फिर उस मुकाम पे अपना लक्ष्य जो है पहुंचा ले गया, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा ठीक है आंटी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि शुभ ने जो है बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर किया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा शुभ के साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन की, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर कोई भी बात आपको हर्ट कर गई हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।